देश भर के किसान पिछले कई हफ्तों से तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और एक कमेटी का भी गठन किया। इसी क्रम में जम्मू में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी का गठन सिर्फ समय की बर्बादी है, ये सब किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और केंद्र सरकार समय निकालती जा रही है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ। अगर बात करें किसान आंदोलन की तो पूरे भारत में इसकी लहर देखने को मिल रही है। जी हां, इस किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो किसान है वो सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसकी लहर जो है अब जम्मू में भी देखने को मिल रही है। जम्मू के भी अब बात करें तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। वही आम आदमी पार्टी द्वारा आज जो है एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये किसानों के आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, जिस तरीके से आप भी जो है आम आदमी पार्टी के तौर पर जो किसानों का समर्थन करने के लिए उतरे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। हमारे देश के जो किसान हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, उस पर क्या कहें? आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये किसानों को लेकर है। आज पिछले तीन महीने से किसान बॉर्डर पर खड़ा है और जो किसान अन्नदाता हमारा है उस पर अनशन लगाए जा रहे हैं। कभी उसको उग्रवादी किया जा रहा है, कभी उसको माओवादी कहा जा रहा है कुछ, लेकिन वो सभी लोगों के भले के लिए वहाँ पर खड़े हैं। और हमारा ये मानना है कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं ये तीनों के तीनों कानून खारिज होने चाहिए, क्योंकि ये अगर किसानों के हक के होते तो इतना लंबा एजुटेशन ना चलता। तो हमारा आज आम आदमी पार्टी का यही मकसद था के सोई हुई सरकार को जगाना है और जो कानून इन्होंने तीनों बनाए हैं इनको रद्द करना है। जैसे आपने बात सर की, अगर बात की जाए, आज आप प्रदर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें तो हमारे किसान जो है डटकर बैठे हुए हैं, वो अपनी जो मांगों को लेकर जो है लगातार पिछले तीन महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अब दखल के बाद क्या लगता है कि ये जो फैसला है वो किसके हक में जाएगा और ये फैसला क्या किसानों के समर्थन में आएगा या नहीं? सबसे पहले मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की बात आपने कही मैडम जी, ये आप मेरे पत्रकार भाई बंधु आपके चैनल के माध्यम से हम चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। ये सारा आई वॉच है, 2 महीने 10 दिन का जो टाइम दिया है, कमेटी गठित की है, लेकिन ये कमेटी सरासर ये बयान करती है कि किसानों के हित के लिए कमेटी नहीं बनी हुई है। अगर उनके हित के लिए बनी होती तो आज किसान अपनी शहादतें दिल्ली बॉर्डर के ऊपर नहीं देता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी का ही ये संघर्ष नहीं है, ये जो बिल जो पास किया है ये पूरे देश के आम आदमी के खिलाफ है, किसान के खिलाफ तो है, क्योंकि आज 50 दिन से ऊपर हो गया सरकार कभी बातचीत में संशोधन करना चाहती है, सरकार टोटली गुमराह कर रही है, लेकिन आज ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। आज जो हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है सिर्फ केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी ये चेतावनी देती है कि आने वाले वक्त में इसके गंभीर परिणाम केंद्र सरकार को भुगतने पड़ेंगे। जब तक वो साफ सी बात है कि MSP हमें नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती क्यों थोप रही है, जब तक MSP ये पूर्ण बिल वापस नहीं होता आम आदमी पार्टी जम्मू के अंदर किसानों के साथ खड़ी है। और ये प्रदर्शन हमारे इसी तरह से हर जिला लेवल के ऊपर आप आगे से बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए हमारा आज का यही प्रोग्राम था, किसानों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, जब तक पूर्ण रूप से बिल वापस नहीं होता आम आदमी पार्टी इसी तरह के प्रोग्राम करती रहे। मैम, अगर बात की जाए किसानों के समर्थन में आप लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के जरिए आप जो है दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो अपना फैसला बदलेगी, यानी कि जो किसान बिल है उसे वापस लिया जाएगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अनीता नगोत्रा, महिला की अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो किसान के हक के लिए था और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार अपने कानून को वापस ले, और जब तक कानून वापस नहीं लेती सरकार तब तक आम आदमी पार्टी शांत नहीं बैठेगी। जय हिंद, जय भारत।
तो आपने सुना कि ये लोग जो हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की गई है वो सिर्फ एक आई वॉश है, कहीं ना कहीं किसानों को उनके समर्थन को कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और आम आदमी पार्टी ने साफ चेता दिया है कि ये लोग जो हैं अपना समर्थन किसानों के लिए इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि फैसला किसके हक में जाएगा, किसानों के या केंद्र सरकार के। तो आप भी जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।